नमस्कार मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ अदर बैकवर्ड क्लासेस के नन क्रिमिलियर से संबंधित एनुअल इनकम की वर्तमान समय में, में आठ लाख है जिसे कम से कम पंद्रह लाख किया जाना आवश्यक आठ सितंबर उन्नीस सौ को जब अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन शुरू हुआ था केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए सत्ताईस प्रतिशत उस वक्त ये व्यवस्था की गई थी कि हर चार वर, तीन वर्ष पर इनकम का रिवीजन होगा अब तक नौ या दस बार होना चाहिए था लेकिन हुआ है अभी तक सिर्फ चार बार इस बीच 2004 में 14 अक्टूबर 2004 को एक पत्र डीओपीटी ने निकाल कर अदर बैकवर्ड क्लासेस के नन क्रीमिलेयर को एक तरह से बहुत ही परेशानी में डाल दिया इसलिए कि तिरानवे में यह व्यवस्था थी कि वैसी संस्थाएं चाहे वो प्राइवेट हों अंडरटेकिंग्स हों जिनके पदों का वर्गीकरण सरकारी नौकरियों के ग्रुप ए बी सी डी के तहत नहीं हो, होगा उनके लिए भी सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़े जाएंगे सरकारी कर्मियों की तरह लेकिन 2000 में चार में पत्र निकाल दिया गया कि जिनका इक्वेलेंस नहीं होगा उनके एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी अलग काउंट होगी अदर सोर्सेस ऑफ इनकम अलग काउंट होगी दोनों में एक भी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आ, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा ये बहुत ही दुखदाई कदम था जिस पर कृषि ने शायद उस वक्त यह नहीं ध्यान दिया कि इसका क्या परिणाम होगा आज कहिए कि वर्ष 2012-13 से लेकर अभी तक हर वर्ष यूपीएससी से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं चालीस पचास हर साल उनका वेरिफिकेशन में चला जाता है और पाया जाता है कि वो वैसे अंडरटेकिंग्स में हैं चाहे भारत सरकार के या राज्य सरकार के जिनका एक नहीं हुआ या प्राइवेट संस्थाओं में हैं तो उनके उनको सर्विस अलाउ नहीं हो पा रहा रोहित नाथन का एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2018 से चल रहा है और आज भी तारीख पर तारीख उसमें पड़ रहा है पूरा देश ए, प्रतीक्षा कर रहा है कि इस केस का क्या फैसला आता है चूँकि इस केस का फैसला हो जाएगा तो वैसी सभी संस्थाओं के कार्यरत ओ <coughs> बी सी एम्प्लाइज को जिनकी संस्थाओं में ए बी सी डी जो सरकारी ग्रुप है सेवकों का उसके अनुसार इक्विवेलेंस जब तक नहीं होगा तो क्या होगा होना वही चाहिए दोनों के को समान रूप में देखा जाना चाहिए लेकिन ये इस फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है अब तक हुआ नहीं मैं यहाँ पर बताऊँ कि बहुत परेशानी के बाद 2017 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बीमा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इक्वैलेंस किया और हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने भी इक्वैलेंस किया और बी एस एन एल ने दो हज़ार अठारह में किया इसके अतिरिक्त कहीं को इक्वैलेंस नहीं हो पाया मैं आज पुनः अनुरोध करता हूँ भारत सरकार से स्पेशली डी और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को कि तीन महीने के अंदर इक्वैलेंस होना चाहिए भारत सरकार के सभी वैसी संस्थाओं का जिनके चाहे वो पब्लिक सेक्टर्स के किसी भी तरह की संस्था हो किसी मिनिस्ट्री के तहत हो उनका इक्वैलेंस होना चाहिए और उन्हीं को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि सभी चीफ़ सेक्रेटरी से चाहे वो स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी, उनसे भी तीन महीने के अंदर स्टेट के जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं बिजली कंपनियां हैं यूनिवर्सिटीज हैं अनुदानित शिक्षण संस्थान हैं और कोऑपरेटिव बैंक वगैरह हैं उनके एम्प्लॉयज़ का इक्वेलेंस हो अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे इकतीस वर्षों से ऐसे सेक्टर्स में काम करने वाले ओबीसी एम्प्लॉयज़ के बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है आगे भी यही क्रम जारी रहेगा जिनका इक्वलेंस नहीं हुआ इस बीच जानकारी मिली कि जनता दल यूनाइटेड ने बैकवर्ड क्लासेस की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें इस मुद्दे को उठाया कि आठ लाख को बढ़ाकर पंद्रह लाख किया जाए अदर सोर्सेस सो ऑफ इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी एंड एग्रीकल्चर और दिनांक दस अक्टूबर को सोशल मीडिया पर यह सूचना आ रही है मराठा चैनल के न्यूज़ के अनुसार के दिनांक आ, ये बारह तारीख को लास्ट कैबिनेट की मीटिंग हो रही है जिस कैबिनेट की मीटिंग में आठ लाख की सीमा को बढ़ाकर पंद्रह लाख किए जाने की संभावना तो अगर आठ लाख से पंद्रह लाख होगा तो महाराष्ट्र सरकार के जो शिक्षण संस्थान होंगे या सरकारी संस्थान होंगे उस पर लागू होगा भारत सरकार की नौकरियों पर लागू नहीं होगा मैं अनुरोध करता हूँ कि यदि महाराष्ट्र सरकार इस और सोच रही है तो बहुत अच्छा कदम है ताकि सभी क्षेत्र के जिनका एक नहीं हुआ तत्काल उनको भी कुछ राहत हो जाएगी और मैं अनुरोध करूंगा सभी राज्य सरकारों से कि यदि इस तरह के कदम की स्थिति है तो जैसे जनता दल यूनाइटेड ने मांग उठाई है तो उनकी तो सरकार है बिहार में यहाँ भी पंद्रह लाख करना चाहिए और भारत सरकार से अनुरोध है कि जब तक एक वैलेंस नहीं होता है और 2004 के पत्र को रद्द नहीं किया जाता है और रोहित नाथन के केस का फैसला और नवल सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता है तब तक अविलंब इनकम क्राइटेरिया को रिवाइज किया जाना चाहिए और यदि 15 लाख सोचा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा या जनता दल यूनाइटेड ने मांग किया है तो एक उचित कदम होगा कि तत्काल इस आठ लाख जो एनुअल इनकम है एक्सक्लूडिंग सैलरी एंड एग्रीकल्चर उसको पंद्रह लाख लाख किया जाए प्रतिवर्ष ताकि ओबीसी बी एम्प्लॉयज़ के बाल बच्चों को एक राहत मिले क्रिमिनल प्रमाण पत्र बनने में ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर तो पर लाइक करें शेयर करें अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं धन्यवाद जय